हेलो आदाब, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मैं खालद, आपको मेरी चैनल अबान एक्शन पे खुशामदे। दोस्तों, क्रिकेट T20 मैच सीरीज स्टार्ट है यार। जो कंट्री है वो लगातार अपनी सीरीज खेल रही है। इस तरफ इंडिया ने कल जिस तरह साउथ अफ्रीका को हराया वो कमाल बेहतरीन इसलिए था कि वो 106 रन पर जीता। और जिस तरह सूर्य कुमार यानी की स्काई की परफॉर्मेंस वो कमाल रहे। पहले जो मैच था वो बारिश हुआ, दूसरे मैच साउथ अफ्रीका ने जीता। उसके बाद मीडिया में इंडिया टीम के खिलाफ बहुत सारे बातें की कि ये नहीं कर सकते, ये वो, मगर जिस तरह पलट वार किया इंडिया टीम ने वो कमाल। वीडियो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, देखते हैं परफॉर्मेंस क्या है। और जिस तरह सूर्य कुमार धोया साउथ अफ्रीका को वो कमाल। बात तो ये है कि सूर्य कुमार यादव ने T20 में एक और सेंचुरी मार डाली है। T20 इंडिया ने शायद 2007 से खेलना शुरू किया है। हमारी पहली T20 इंटरनेशनल सेंचुरी 2010 में सुरेश रैना ने मारी थी। इसके बाद 2018 तक 6 T20 इंटरनेशनल सेंचुरी और लगी है, लेकिन ये 6 या तो KL राहुल ने मारी या फिर रोहित शर्मा ने। मुझे तो लगने लगा कि हमारे बल्लेबाजों की चेचिस में शायद जान ही नहीं है कि वो सबसे छोटे फॉर्मेट में सेंचुरी लगा पाए। लेकिन फिर आते हैं सूर्य कुमार यादव भैया, ऐसे मारना शुरू करते हैं कि धागे खुल जाए। हालांकि इस बीच दीपक हुड्डा, विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल की भी T20 सेंचुरी आती है, लेकिन मजा T20 में तभी आता है जब सूर्य कुमार यादव बैटिंग करने आए। बस यही मजा कल एक बार फिर से आ गया हम सबको। मुझे तो लगता है कि सूर्य कुमार यादव भैया वर्ल्ड कप के फाइनल में भी चल जाते अगर राहुल द्रविड़ उनके कान में ये बता देते कि बाबू ये वनडे नहीं T20 का मैच है। क्योंकि सूर्य कुमार यादव जब जब अच्छा खेलते हैं पता नहीं क्यों दिल से यही निकलता है कि भाई यही काम वर्ल्ड कप फाइनल में कर दिया होता। खैर, जैसे साबू को गुस्सा आने पर दूर कहीं लगातार मार देते, वैसे ही सूर्या के T20 खेलने पर ज्वालामुखी फटता है। और ज्वालामुखी के बाद एक और चीज फटती है ऑपोजिशन की। आप उस चीज को आंखें बुला सकते हैं, वरना जैसे जिसकी श्रद्धा कपूर। सॉरी, आगे बढ़ते हैं। साउथ अफ्रीका वालों ने कल टॉस जीता। एक बार फिर से उनके मंसूबे कामयाब होने वाले थे क्योंकि केशव महाराज ने एक ही ओवर में गिल और तिलक वर्मा को आउट कर दिया। ऐसे में कप्तान सूर्य कुमार यादव को जल्दी आना पड़ा और हमारी हालत तो ये सोचकर डाउन हो रही थी कि दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल है जो पावर प्ले के आगे टिक ही नहीं पाते। लेकिन कल यशस्वी भाई ने अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई, सूर्य कुमार यादव के साथ एक बढ़िया पार्टनरशिप लगाई, खुद की भी हाफ सेंचुरी बनाई। उनके 41 गेंद में बनाए गए 60 रन ने टीम इंडिया को शुरुआती झटकों से उबार दिया। लेकिन जोहान्सबर्ग की महफिल लूटने तो सूर्य कुमार यादव आए थे। पहले तो वो स्लो खेल रहे थे, लेकिन जब बाद में उनकी पारी थोड़ी गर्म हुई उसके बाद तो ऐसे ऐसे शॉट काफी है। इस आदमी ने फिर से चीट कोड लगाकर क्रिकेट खेलना चालू कर दिया। इसके बाद तो ग्राउंड कितना बड़ा है, पिच कितनी मुश्किल है, सामने बॉलर कैसा है, इन सब से सूर्या को क्या ही फर्क पड़ना था। सूर्य कुमार यादव के बल्ले से उनके करियर की चौथी T20 सेंचुरी निकली और इसी के साथ वो T20 सेंचुरी लगाने के मामले में ग्लेन मैक्सवेल और रोहित शर्मा की बराबरी पर आ गए हैं। और इसी के साथ उन्होंने दिखा दिया कि आने वाले T20 वर्ल्ड कप में वो इंडिया के MVP रहने वाले हैं। उनकी पारी की मदद से टीम इंडिया ने 20 ओवर में 201 रन बना डाले। जोहान्सबर्ग के मैदान में ये टोटल ज्यादा भी नहीं था, कम भी नहीं था, लेकिन मोहम्मद सिराज ने शुरुआत ऐसी करी जिसको देखकर दिल खुश हो गया। साउथ अफ्रीका की पारी के पहले ही ओवर में सिराज और विकेटकीपर जितेंद्र शर्मा के बीच जबरदस्त खेल हुआ क्योंकि बीच के बल्लेबाज रिजा हेंड्रिक्स तो गेंद को सूंघ भी नहीं पाए। हालांकि हेंड्रिक्स ने शॉट लगाने की 6 बार कोशिश की, लेकिन सिराज की स्विंग ने 6 बार उनको बीट किया और मेडन ओवर से शुरुआत करी। सिराज के प्रेशर का फायदा अगले ओवर में मुकेश कुमार को विकेट के रूप में मिला, लेकिन सिराज भाई का हाथ ऐसा था जिसने तय कर लिया था कि विकेट लेकर ही जाएगा। उनके गेंदबाजी में विकेट नहीं मिला तो उन्होंने रन आउट कर दिया। साउथ अफ्रीका की शुरुआत खराब हो चुकी थी, लेकिन उनको पता नहीं था कि उनका अंत और ज्यादा बुरा होने वाला है क्योंकि तेज गेंदबाजी का प्रदर्शन तो झांकी थी, असली दिक्कत आनी तो अभी बाकी थी। सूर्य कुमार यादव को सेंचुरी मारने के बाद थोड़ी इंजरी हो गई थी जिसकी वजह से कप्तानी रविंद्र जडेजा कर रहे थे और जडेजा जैसे ही गेंदबाजी पर आए उनको पहले ही बॉल पर विकेट मिला। हालांकि जडेजा का चेन्नई सुपर किंग्स के साथ कप्तानी का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, लेकिन यहां पर उन्होंने समझ लिया कि स्पिन गेंदबाजी खेली नहीं जाएगी और वो खुद से बेहतर स्पिनर कुलदीप यादव को तुरंत से पहले ले आए। कुलदीप ने इस मैच में कुल मिलाकर मात्र 17 गेंदें फेंकी, लेकिन इन 17 में ही वो 5 विकेट ले उड़े भाई साहब। वैसे भी कनपुरियों की आदत होती है, उंगली पकड़ाओगे तो पूरा हाथ पकड़ लेते हैं लपक के, लेकिन कुलदीप यादव ने हाथ नहीं गुद्दी पकड़ ली यार, कमाल के बॉलर रहे। इसकी कुलदीप भाई का बर्थडे भी था, बॉलिंग फेंकने के टाइम गिफ्ट दिया है आपने। कुलदीप के 5 विकेट की बदौलत इंडिया ने ये मैच 106 रन से जीता और उन सब का मुंह बंद कर दिया जो ये कह रहे थे कि अरे रवि बिश्नोई तो अभी अभी नंबर 1 T20 गेंदबाज बने थे, उनको क्यों नहीं खिलाया। चलो कोई नहीं, 3 मैचों की T20 सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है। संडे से हम वनडे मैचों की तैयारी शुरू कर देंगे और मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहता, लेकिन 19 नवंबर के वर्ल्ड कप फाइनल के बाद से ये हमारा पहला वनडे मैच होगा। आ गए ना आंसू ये सोचकर, अब जरा रो। वनडे भी
इंशाल्लाह इंडिया जीतेगा और कमाल की परफॉर्मेंस रही। और मैं बार बार यही कहता हूं कि टीम की सपोर्ट करें, टीम की टीम अगर हारे उसकी खिंचाई ना करें। मीडिया वाले जब एक मैच हारेंगे फिर उसके पीछे लगातार बातें करते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। मैच देखना पड़ेगा, सीरीज खत्म नहीं होते, अगली मैच देखना पड़ेगा। खैर अगर बारिश ना होते तो ये ट्रॉफी भी इंडिया जीत सकता था। तो वनडे के लिए कोशिश होना चाहिए, वनडे अलग टीम होगी, अलग से प्लेयर्स होगी और अलग से परफॉर्मेंस होगी। तो कमाल की परफॉर्मेंस स्काई और कुलदीप की, ये दोनों कमाल खेला। और जिस तरह पिच था वो काफी मुश्किल था, इसमें कोई शक नहीं। जोहान्सबर्ग की पिच और ग्राउंड जो है वो काफी जबरदस्त और बेहतरीन और मुश्किल रहा। वहां पे पाकिस्तान बहुत बिल्कुल कोई सीरीज जीता नहीं है, खास करके टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका में। तो ये काफी जबरदस्त है, बेहतरीन। आपको कैसा लगा वीडियो तो जरूर अपनी राय कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और वनडे मैचों के लिए आई होप आपके साथ फिर भी वीडियो शेयर करना चाहता हूँ। फिर हमेशा साथ रहे और अपना ख्याल भी रखें।